कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने एक ट्वीट को लेकर खासा चर्चा में हैं। पटवारी के ट्वीट से महिला वर्ग नाराज है। महिलाएं इस ट्वीट को अपना अपमान मान रही हैं। महिलाओं की मांग है कि जीतू पटवारी महिलाओं से माफी मांगे। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने जीतू पटवारी का विरोध करते हुए पुतला फूका। हालांकि जीतू पटवारी ने अपना ये ट्वीट अब हटा लिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट किया था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी पैदा हो गई, लेकिन अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। इस मामले को लेकर सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की मौजूदगी में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सिंगरौली जिले के जयंत चौराहे पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का पुतला फूका और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश व्यक्त किया और जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नारी शक्ति से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरह से नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का ऐसा बयान महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। यदि जीतू ने देश की सभी महिलाओं से माफी नहीं मांगी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा व उनके इस बयान के विरोध में प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के महिला मोर्चा के द्वारा आज हम सब लोग जैन तिराहे पर जीतू पटवारी जी विधायक कांग्रेस का पुतला दहन कर रहे हैं। जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने इस देश की नारियों के लिए असम्मानजनक टिप्पणी किया है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह लिखा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्ष में जो केंद्र में सरकार कार्य कर रही है, इन्होंने 5 पुत्रियां पैदा किया, वह महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या मंदी का दौर रहा हो, इसके बाद भी विकास पैदा नहीं हो सका। हमारे देश की महिलाओं को यह ठेस लगा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज महिला मोर्चा के द्वारा मिलकर के उस पुतले का दहन किए हैं, जीतू पटवारी जी के पुतले का दहन किए हैं और जीतू पटवारी जी को यह आगाह करना चाहते हैं कि ऐसी भाषाओं पर रोक लगाएं, अन्यथा इस देश की नारी जब जगती है तो उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को भी यह बताना चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नारियों का एक सम्मान है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।